मैं अमेरिका लंदन ले चलो। मैं देख रही थी मैं कितनी मोटी थी यार। आसु कहे छे आज ईद छे तमे कुछ खावे छे? ईद मुबारक नूर। ईद मुबारक। ईद मुबारक दीदी। हेलो जी, वेलकम टू आचार। हेलो यार, हम तो यही कह ले चलो पापा चलो, एक बार ले चलो, मैं अमेरिका लंदन ले चलो। सो आज हम गए थे बाहर लंच करने, आज मैं और हर्ष लंच करने गए थे, लेकिन लंच में हमने इतनी बातें की फोन पे अपने अपने, हर्ष ने अपने काम की और मैं तो वैसे इंस्टाग्राम पे थी। और ये बच्चा मासूम माँ बाप का मुंह देखता रहा, इसके पिता ने इसके साथ एक बात भी नहीं की क्योंकि वो एक रूड इंसान है। जब चलता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है। सो गाइस, कल ईद है और रूपा दीदी नहीं जा रही अपने घर क्योंकि मेरा भी शूट है, इसीलिए रूपा दीदी रुक रही है। ईद बहुत बड़ा एक त्यौहार है, पाक त्यौहार है, जिसपे सब लोग अपने घर होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बट रूपा दीदी नहीं जा रही गोले के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और मैं और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गई हूँ कि मेरे बच्चे के लिए कोई अपना त्यौहार छोड़ रहा है। सो, मैंने सुना है कि ईद वाले दिन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। रूपा दीदी बाहर तो कहीं जाती ही नहीं, मैं भी नहीं जाती, तो ना ही उनको नए कपड़े लाने का टाइम मिला। लेकिन मैंने अपनी बहन को बोल के रूपा दीदी के लिए एक ड्रेस मंगवा लिया है। सो, मैं उनको दूंगी रात को ताकि वो कल पहन सके और उनको फील ना हो कि वो अपने घर नहीं है। कल मैं वो पूरी कोशिश करूंगी जिससे रूपा दीदी खुश हो सके। अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और मीठा बनाएंगे और मज़े करेंगे और रूपा दीदी को खूब हंसाएंगे, खूब मस्ती करेंगे उनके साथ। गाइस, हर्ष घर आ चुका है और हर्षल भी आ गया अपने ट्रायल्स लेके, और ये बच्चा इतनी जिद कर रहा है ना जूतों के बीच में घुसने की। तो सुनो भाई, ये जब भी पैकिंग कर रहे हो इसका ध्यान रखना, कोई हिलती हुई चीज़ हो तो वो पैक नहीं करनी, वो बच्चा होगा। शूज समझ के वो पैक ना कर देना, बाद में घर जाके बोलो अरे भाई सबका सेट है, एक शूज ज्यादा है और वो गोला सोया होगा। है ना गोले, है ना गोले गोले। रूपा दीदी को किसी करके बोलो ईद मुबारक। ये ऐसा बच्चा शैतान है, ये बाल खींच के कहेगा ओ ईद मुबारक मेरी जान, तू मेरे कारण घर नहीं जा रही, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ रूपा दीदी, मैं बहुत प्यार करता हूँ। आज हमने रूपा दीदी के लिए मटन बनाया है और राइस तो है ही, और साथ में सोने पे सुहागा हो गया। आज अली दादा ने बिरयानी भेज दी जो हर्ष का मेकअप करते हैं, कीमा भेजा है और मीठा भी आया है और साथ में ये बड़े बड़े पाव भेजे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज रूपा दीदी को बहुत अच्छा लगे कि आज सब उनकी पसंद की चीज़ें बनी हैं। ओ अली दादा, थैंक यू यार, थैंक यू। आज ईद के दिन रूपा दीदी तैयार हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वरना बेचारी तैयार नहीं रहती और मेरा बच्चा भी दीदी को ना खराब कर देता है, बाल खींच देता है, इयररिंग्स खींच देता है। रूपा दीदी बड़े अच्छे लग रहे हो यार, थैंक यू। मुझे दिखाओ अपना सूट। वाह, डाबर रामला खींचते बाल बहुत लंबे दीदी। ओके थैंक यू, इसके लिए भी। जब आपकी शादी होने वाली थी तो आप अपने पति से मिलते थे तो बालकनी से ऐसा लंबी चोटी नीचे करते थे, वो चढ़ के आ जाता था। नहीं, इतना लंबा नहीं था, जो चोटी ऊपर कर। तो अगर आपका पति आपकी चोटी पे लटकता तो आप तो टकली हो जाती दीदी। क्यों, मजबूत बाल है? नहीं, मजबूत है। हैं? मजबूत है। अभी मैं 21 माले से लटक के देखूंगी। अच्छा, ठीक है। मुझे गोले पे बहुत गुस्सा आ रहा, ईद वाले दिन सुसु कर दिया और ये बेचारी तैयार होके वो कर रही है। हमने कहा हम कर देते हैं तो बोलती नहीं नहीं मेरे बच्चे का काम मैं ही करूंगी। दीदी बहुत ज्यादा टाइम ले रही। दीदी आ जाओ अब। तुम हुस्न परी तुम जादू छड़ी आगे नहीं आता। ईद मुबारक रूपा दीदी। वाह वाह वाह, कैसे लगे रूपा दीदी कपड़े आपको? बहुत अच्छे। सच में आप खुद बहुत अच्छे लग रहे हो रूपा दीदी। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूपा दीदी के बाल देखो। वाह, सच में दीदी बाल बहुत अच्छे हैं आपके। दीदी आज तो आपका दिन है, थोड़ा नाच के तो दिखाओ। नहीं।
इमेजिन नहीं हुए। A few moments later. वाह रूपा दीदी, वाह 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 वाह। मेरे को अभी संजय लीला बंसाली का फोन आया दीदी, वो कह रहे हैं कि रामलीला 3 बना रहे हैं, 2 भी नहीं 3, आप 3 के लिए हो। वाह, ईद मुबारक दीदी। सो मैं वही खाना वाना बना के आ गई हूँ इवेंट पे। आज मेरा और हर्ष का दोनों का इवेंट है, और इवेंट है लेकिन हर्ष इवेंट में नहीं है, कहीं और ही खोया हुआ है। आप खाना खाते हो तो मजा ही आ जाता आपको। सर बताइए ना, आपका खाना कौन बनाता है? मैं खुद बनाता हूँ। सिग्मा मेल, सिग्मा मेल अपना सारा काम खुद करता है। क्या है तू? सिग्मा मेल। सिग्मा मेल क्या होता है? वुमेन। आप सब कमेंट करके बता क्यों नहीं देते इसको कि सिग्मा मेल क्या होता है? क्योंकि उनको भी नहीं पता, आधे लोगों को। तुम बता, चल पूरा सबको पता होता है सिग्मा बता, मेल बता। क्या होता है, सिग्मा मेल कौन होता है, उस पे मैं पूरा का पूरा व्लॉग बनाऊंगा। अभी नहीं, कब? 10 साल बाद, एक दो दिन बाद मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं इस औरत को बताऊंगा कि सिग्मा मेल कौन होता है। औरत मत बोल, मैं लड़की हूँ। ये दोनों ही कपड़े है, लेकिन अब आप बताइए कौन सा पहनूं कमेंट करके। जब तक आप कमेंट करेंगे ये वीडियो आ चुका होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। नहीं, तो जब तक ये कमेंट्स करके बताएंगे ये तभी पहनेगा कपड़े, तब तक ये स्टेज पे नंगा जाएगा आज। और मुझे पता है हर्ष ब्लैक ही पहनेगा। नहीं नहीं, ब्लैक नहीं पहन रहा यार, नहीं पहन रहा। अरे मैं ब्लैक गाउन पहन रही हूँ। हर्ष ईद है, मेरा मूड खराब मत कर। चंगू मंगू बन के जाना है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट। मैं चंगू और तू मंगू। यार एक तुमने अपना दिखा कैसे लगते हैं दोनों चश्मे में? चश्मा शूट करना चाहिए। क्या? मेरा गुजराती भाई चश्मा। अरे सुनो ना दिनेश भाई, अरे जगनेश, अरे भाई सुनो ना दिवेश भाई, शू कहे छे आज ईद छे, तमे कुछ खावे छे? हाँ खावे छे। अली दादा नेल कटर। देखा मैं जब भी बोलने लगती हूँ। ईद मुबारक नूर। ईद मुबारक नूर। आज ईद है फिर भी अपना घर सब छोड़कर आइए काम करने, क्योंकि असली ईद वही होती है नूर जिसमें हम कमाते हैं। और बस मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह सबको ईद वाले दिन बहुत बड़े बड़े पैसों वाला काम दे ताकि उनकी ईद बेस्ट हो। क्यों नूर? हाँ बस मुझे अभी 2 BHK का घर लेना है क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा हो गया है। ये कहीं मुझे तो नहीं सुना रही कि इस ईद पे मैं पैसा भूसा बढ़ाऊँ, या कहूँ कि ये ले बेटा 50 लाख, तू पहले 2 BHK में पैसा डाल। अगर मेरा पर डे 50,000 होगा तो कुछ भी नहीं, पहले मेहनत करो, पैसे जोड़ो और घर लो। 2 BHK लेने में वाट लग जाती है, वाट। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हर्ष अभी रेडी हो रहा है, शूज पहन रहा है। हर्ष रेडी? एकदम रेडी भाई। सो आज ईद भी है, बहुत अच्छा दिन है, आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू अली दादा, थैंक यू राशिद भाई, आप ईद वाले दिन अपना सारा आज फंक्शन छोड़ के काम करने आए हो, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अभी कुछ ही देर में स्टेज पर जाने वाले हैं, और पता नहीं स्टेज पर जाने से कुछ मिनट पहले तक ये लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तो नर्वस काहे नर्वस आई हो? मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बस मेरे को होता है कि जब परफॉर्मेंस आने वाली मेरे से कोई बात ना करे। व्लॉग तो बहुत दूर की बात, मैं व्लॉग बना नहीं सकती, बट अभी मैं स्टेज पर जाके हो जाऊँगी ना, 5-7 मिनट हो जाएंगे ना, फिर मैं देखना कैसे फर व्लॉग बनाऊँगी, बट अभी नहीं कुछ बोल सकती। अभी कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन यही टाइम है जब मैं तुझे तंग करूंगा, क्योंकि जब मुझे व्लॉग नहीं बनाने होते गाइस, जब मुझे व्लॉग नहीं बनाने होते तब ये मेरे को जान के कैमरे के सामने लेके आती है, लेकिन आज वो मैं करने वाला हूँ। सो हाय गाइस, इवेंट के लिए नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, 5-7 मिनट बाद। एसी ऑफ कर दे भाई, एसी ऑफ कर दे, मुझे एसी ज्यादा लगता है यार। 19 पे है, क्या कर दिया तूने? क्योंकि मैं हॉट हूँ। सो गाइज, जब हम स्टेज पे गए तो वो इवेंट वाले भूल गए थे कन्फटी उड़ाना, सो हम अभी वॉशरूम जा रहे हैं तो उन्होंने उड़ा दी। उधर जा, गेस्ट लगे, सेलिब्रिटी लगे। हाँ घूम। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये मुझे बैक स्टेज ही छोड़कर आ गया ये बेचारी हीना के साथ, और खुद देखो ये क्या कर रहा है। थैंक यू।
मुझे बैक स्टेज छोड़ के तुम इस अकेली लड़की के साथ बातें कर रहे हो, और ये तुम्हारा बॉय भी ऊपर तक आया हुआ है। फातिमा भी लव यू, आपकी बात कर रहे थे। ऐसा नहीं भाई, जब पकड़े गए तो वही लव यू, तेरे को तो हर्ष घर जाके बताती हुए। गाइस इवेंट में अप्रिशिएट करते लोग, लेकिन इंसल्ट मुंह पे हो रही है। लोग आए बीच में से कहते हम आपके लिए नहीं गोले के लिए आए हैं। ऑब्वियसली गोले के लिए, हाथ ऊंचे करके हर हर शंभू और मीडिया को हरे कृष्णा। और ये देखिए बैड बॉय की प्रोड्यूसर भी गोले। आप अपनी बेटी की शादी मत करना, मेरा गोला बड़ा हो रहा है, ये मेरे घर की बहू बनेगी। यार ये तो गोले के लिए गोला है। मम्मी नहीं बोला अभी तक, मैंने फर्स्ट टाइम कैप पहनी है। फर्स्ट टाइम नहीं, पहनी तो बहुत बार है, लेकिन मैं पब्लिक में फर्स्ट टाइम पहन के बैठी हूँ। तो मैं व्यूज पूछती हूँ हर्ष से, तो कहेगा नहीं। हर्ष मुझे कैप अच्छी लग रही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेरा मुंह गोल है और गोल मुंह पे कैप कभी अच्छी नहीं लगती। मुंह होना चाहिए मेरे जैसा जॉलाइन वाला, जिसके चेहरे पे कैप। मुझे पता है अशोक दादा और पांडे जी हंसी रोक के बैठे हुए हैं इस बात पे कि सर ने क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, अब हंसी भी ना रोके। सो गाइस मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे बाल सींग की तरह आज। तेरे को बाल सींग वाले नजर आ रहे हैं, शरीर के हिसाब से सींग में एकदम अकेला है। भारती नहीं, अरे गोले गोले। अब हर्ष के साथ मेरा रोमांटिक होने का मन ही नहीं करता, पति है ना अभी। कहा पापा, कहा गोले पापा पापा। यार मुझे कोई मेरा बच्चा ऐसे बोले मैं तो काम पे ही ना जाऊं। कोई डायलॉग बोलेगा पक्का। अगर तू ऐसा ऐसा करता रहेगा तो तू जो महंगे महंगे दूध पीता है महंगे महंगे के दूध, क्या तुम रशिया की गाय से दूध मंगवाते हो? अच्छी तरह दिल कर रहा कि तू आधा घंटा इसके साथ खेले है। हाँ यार भारती, जिम 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 बाय पापा, पापा बाय। हर्ष चला गया है, वही टाइम होता है हर्ष के पास गोले के साथ खेलने का, और अब जब आएगा तो तब तक गोला सो गया होता है। बट ठीक है, अब काम है तो कोई बात नहीं, जब घर पे होते हैं तो तब गोले के साथ होते ही हैं। तो हमारी ईद बहुत अच्छी रही, ईद वाले दिन हमने काम किया और जितना मेरे से हो सका मैंने रूपा दीदी को पैम्पर किया ताकि उनको अपनी फैमिली की याद ना आए। सो जो आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, अगर वो आपके लिए कुछ चीज़ें छोड़ते हैं तो आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको पैम्पर करना चाहिए। चलिए व्लॉग ख़त्म करती हूँ, थैंक यू सो मच। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लो, हाँ अच्छे अच्छे व्लॉग देखो। बाय बाय, ईद मुबारक।